जा रहे हैं पिरुल से बिजली कैसे बनती है देखने। पिरुल को एक मशीन में डाला जाता है। पिरुल मतलब होता है चीड़ के पेड़ की ये खास। ये चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, ये जब सूख जाते हैं इस तरीके से घास हो जाती है इसकी, तो इसे मशीन में डालते हैं और जो देखते हैं हम कैसे बनती है पिरुल से इलेक्ट्रिसिटी। पिरुल के लिए हम ऐसे फैक्ट्री में जा रहे हैं। आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, आधा रास्ता तय कर रहे हैं। ये देखिए इसकी मशीन दिख रही होगी आपको, ये देखिए ये पिरुल बनाने वाली मशीन। देखते हैं कैसे पिरुल बनती है इससे। चलिए आपको ले चलते हैं पिरुल से कैसे बनाते हैं ये लोग मशीन से। ये दिख रहा है आपको, ये पिरुल है जिन्होंने सारे इकट्ठे किए हुए हैं। क्यों इस मशीन में ये लोग पिरुल डालते हैं, ऐसे ऊपर जाती है रन होती है। बताइए सीमा मैडम कैसे जाती है इसमें। इसमें पिरुल काटते हैं, इस मशीन में पिरुल काटे जाता है पहले, इसमें डालते हैं काट के और उसके बाद इस तरीके से ऊपर जाता है ये। वहाँ गैस बनाते हैं, क्या बोलना चाहते हो आप? गैस बनाते हैं वहाँ से, ठीक है। आओ चलो आप चलो, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बहुत गरम गरम लग रहा है यहाँ पे। अभी इन्होंने मशीन कभी भी बंद किया है, ये देखिए इससे यहाँ गैस बनती है। उतरो, बताओ आप बताओ क्या कैसे होता है ये? मैडम यहाँ से पिरुल डलता है, ठीक है जी, यहाँ से पिरुल डलता है। हाँ जी, वो ढक्कन है, ठीक है, इसमें गिरता है, ठीक है। यहाँ से जल के वहाँ धुआं जल की गैस उधर को गैस जाती है, इस पर गैस जाती है, पिरुल होता है वो इसमें गिरता है, इससे हम बाहर निकालते हैं। तो इधर का वैसे यहाँ से ये गैस बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जलता है ना जो पिरुल है। हाँ, आप पिरुल जला हुआ पिरुल, ठीक है, इसमें, हाँ, इसमें गिरता है, इसमें गिरता है, इसमें गिरने के बाद इसमें आता है। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये ढक्कन खोल के हम इसे बाहर निकालते हैं, निकालते हैं। हाँ, और ये बाहर निकाल के आपने ये रखा हुआ है। हाँ, ये अच्छा इस टाइप का होता है, ये गर्म आता है, ये हमने पानी डाल के भिगा रखा है। तो हमें वहाँ से गैस बनेगी, हमें यहाँ पता चलता है कि गैस आ गई, हम यहाँ माचिस की तिल मारते हैं तो उसके बाद गैस आ गई, हम इन वाल्व को बंद करते हैं। यहाँ से होते हुए गैस ये जनरेटर में जाती है। अच्छा, फिर हमें जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से ये है हमारी मशीन, यहाँ दिखाती है हमारी बिजली। अच्छा, हाँ, यहाँ से बिजली जाती है, किलोवाट बनते ना, तो यहाँ से होते हुए ये लगा हमारे आगे तार, वहाँ से सीधे ये गैस कहाँ जाती है? ये बाहर। अच्छा, यहाँ से सिस्टम लगा रखा तो सीधा बाहर जाते हैं, बाहर कहाँ पे? यहाँ पोल में लगा रखा है, जैसे हम घर में नहीं लगाते तार अंदर को लेते, यहाँ भी लगा रखा है, ये तार से फिर पोल में जाती है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे यह पोल है। हाँ। पोल दिख रहा है, यूपी सेल को भेजते हैं। हाँ, अच्छा, सीधे यूपी सेल में जाती है, यूपी सेल। हाँ हाँ, यूपी सेल में आती है। तो उसके बाद यहाँ से यूनिट बनती है, यूपी सेल में आती है। इसमें फोन रखा है बिजली के पास में, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
जो ये राख है उससे कोयला बनाते हैं उधर, इसमें हम ये पकाते हैं, इस राख से कोयला बनता है। ये पिरोल है, ये जल के इससे राख बनती है, तो इससे कोयला बनता है। हाँ ठीक है। और ये क्या चीज है आपके, ये दो जो रस दिख रहे हैं, ये है पानी के टैंक, पानी के टैंक। हाँ और पानी की जरूरत होती है। ये क्या चीज है, मध्य पानी होता है ये है अरारोट। अरारोट, अरारोट से जो ये कोयला है ना, कोयला में मिक्स करते जो ये राख है, पिरुल के कोयले। ठीक है, ऐसे देखो प्लेट में इन्होंने लगा रखे हैं, कैसे कोयले बना रहे हैं। हाँ इसमें मिला रखा हमने अरारोट। अच्छा, ये ऐसा बनता है। ये पिरुल है, ये जल गया है, इसमें इन्होंने अरारोट मिला रखा है, है ना। और इस अरारोट से, इस अरारोट इसमें अरारोट मिक्स करते हैं, इससे बनते हैं ये कोयले ऐसे। ये मशीन इससे ये निकलता है। अच्छा, ये मशीन है जिससे ये लोग कोयले बनाते हैं। ये दिख रहा होगा इसके मुंह के पास में, ये टूटा हुआ सा दिख रहा है आपको। ठीक है, इस मशीन में डालते हैं, कोशिश करनी है हमें। कोयले बनते हैं, और जो नहीं जलता उसे यूज नहीं। अच्छा बताओ फिर, जैसे हम कच्चा पिरोल काटते हैं ना, सुबह पिरोल काटते हैं, काटते हैं मशीन में जाता है। ठीक है, जो मशीन जो जलता है धुआं बनता है, धुएं का गैस बनती है, गैस बनती है, जो जल के राख होता है नीचे उसकी कोयले बनती है, उसकी कोयले बनती है। ठीक है, थैंक यू। और ये पिरुल है जी, है ना। ये पिरुल कैसे लेते हैं, पिरुल यहाँ पे गांव में सभी लोग देते होंगे पिरुल ना, दूर दूर के गांव से लोग देते होंगे। कितने रुपए किलो लेते हैं आप? फिलहाल तो 2 रुपए किलो है। 2 रुपए किलो। हाँ अच्छा, और कुछ ऐसा भी होता है कि गीला हो जाता है तो ये किसी काम का नहीं होता? नहीं नहीं, गीला होता हम सुखाते हैं। अच्छा, यहाँ से गर्म हवा आती है ना, जब जनरेटर स्टार्ट होता है हम इसमें पिरुल सुखाते हैं। अच्छा, ये पिरुल पहले ऐसे ही था, अब सूख गया हमने काटने के लिए ना, तो गीला पिरुल नहीं चलता उसमें। अच्छा, मच्छर बन जाता है तो उससे गैस नहीं बनती है। हाँ, गीला पिरुल यहाँ से गैस आती है और गैस से नीचे सूखता है। हाँ, ये सूखा गीला पिरुल होता है ना, उससे मॉइस्चर बनता है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी में करंट आने का भी होता है। गैस नहीं बनती है, गैस नहीं बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी में करंट आने का भी होता है, प्रॉब्लम आती है ना मशीन में, फॉल्ट भी हो जाता है। ड्राई है बिल्कुल, इसमें मॉइस्चर नहीं है, और इसमें मॉइस्चर है क्योंकि ये हमने वहां से। इसमें मशीन में भी फॉल्ट आ जाते हैं ना, फॉल्ट आ जाता है। ठीक ठीक, ये आपका पूरा सिस्टम है। और ये क्या चीज है? ये भी पिरोली है। अच्छा, ये पानी की टंकी। हाँ, ये छत का पानी है ना, चलो बंद करो ना, ये छत का पानी आता है ना, यही पानी यूज करते हैं। अच्छा, जो बारिश के टाइम पे छत से पानी आता है वही पानी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नल वाल नहीं है ना, कोई नौला नल कोई सुविधा नहीं है पानी का, जो ऊपर से पानी बारिश के टाइम पे पानी, मैंने मुझे फोकस, बारिश नहीं सीधा करो, बारिश के टाइम पे जो पानी आता है वो यहाँ से स्टोर करते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो इन डिब्बों में स्टोर किया जाता है, कंटेनर है इसमें स्टोर किया जाता है पानी को। ठीक है ना, ये मशीन को साफ करना बहुत जरूरी है ना, दिख रहा है मशीन जो साफ हो रही है, क्योंकि फिर तो ये जाम हो जाएगी अगर ये साफ नहीं करेंगे तो। ये साफ करके इसे ये निकाला मैंने, ये दिख रहा है लंबे लंबे डंडे, लंबे लंबे डंडे, ये देखो ऐसे निकाल रहा नहीं, इसे इसको साफ क्लीन करना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे इसको इसको बंद कर देते हैं लोग ऐसे। हाँ, गैस होगी तो आग लग सकती है, आग लग सकती है, इसलिए हमें इसको फिर से दोबारा ढकना पड़ता है। अच्छा, चाहे ढीले ही करो कोई कोई बात नहीं, लेकिन ढकना जरूरी है। हाँ, ये तीन होल है, तीन होलों में ढक रहे, देख दोबारा चलो, तीन होल है, देख तीनों में ऐसे पास से फोकस करो, ऐसे हमने इसे बंद करना जरूरी है, नहीं तो इसमें थोड़ी सी भी गैस होगी उससे आग लग सकती है। ये पानी का कंटेनर प्रकृति को कोई नुकसान है? नहीं,
प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि कोई धुआं नहीं है ना इसमें। अच्छा। धुआं हुआ कुछ नहीं है सिर्फ। ये देखा आपने पिरूल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बनती है और जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उससे कोयला बनाया जाता है। बहुत अच्छा काम है, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं ये लोग।